ये भिवंडी का राजीव गांधी उड़ार पुल, जिसकी दशा और दुर्दशा दोनों ही गड़बड़ चल रही थी। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, फिलहाल इस ब्रिज पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि भिवंडी वालों के लिए अच्छी खबर आने वाली है। जी हाँ, भिवंडी में जितने भी खड्डे आपको अभी ये फ्लाईओवर पर दिख रहे हैं, ये आने वाले दो दिनों में शायद आपको ना दिखाई दें, क्योंकि भिवंडी महानगर पालिका के कमिश्नर ने अब ये आदेश पारित किया है कि पूरे राजीव गांधी फ्लाईओवर पे जितने भी खड्डे थे उनको पूरी तरह से खड्डों से मुक्त किया जा सके। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, भिवंडी के कमिश्नर मनोहर हीरे बांधकाम अधिकारियों को निर्देश देते हुए कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, ताकि भिवंडीकरों को दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। आप देखिए किस तरह से अधिकारी कमिश्नर साहब को सारे कार्यों का ब्यौरा देते हुए और उन्हें समझाते हुए कि कार्य कितनी गति से चल रहा है। ये देखिए, जो भिवंडी के राजीव गांधी फ्लाईओवर के ऊपर जो है जेसीबी लगी हुई है और कितनी रफ्तार से जो पुरानी यहाँ डामरीकरण हुआ था उसे निकाला जा रहा है, ताकि नया डामरीकरण इस पर किया जा सके। आगे आप देखते जाइए कि किस तरह से राजीव गांधी फ्लाईओवर का कार्य शुरू है। चल रहा है कैसे भरने का, तो कितने दिनों तक ये काम चलेगा और कब तक ये बंद रहने वाला है? ये गड्ढे भरने का काम अपन ने आज रात में 7 बजे से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले अपन आज अभी सवेरे से इसको बंद करके इस ब्रिज का जो क्लीनिंग है वो क्लीनिंग कर लिया है। जो पाइप्स हैं पानी ड्रॉ करने के, वो पाइप्स क्लियर करने का काम चालू है। आज शाम में 7 बजे से अपन रात के 12-1 बजे तक इसके गड्ढे भरने का पूरा काम कंप्लीट करेंगे, और कल भी ट्रैफिक बंद रख के फिर 2 दिन के बाद ये ब्रिज खुला हो जाएगा। इस पर से जो ट्रैफिक जा रहा है उसको तकलीफ न हो, और जो गड्ढे से स्लो हो जाता है ट्रैफिक वो ना हो, ताकि ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम छूट सके। सर, जो ये काम हो रहा है ये क्या आपके ही निरीक्षण में और आपके नेतृत्व में हो रहा है? सर, ये काम महानगर पालिका की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ये महानगर पालिका ने ब्रिज 2006-07 में बनाया था, और अभी इसके ऊपर के गड्ढे महानगर पालिका की तरफ से पूछे जा रहे हैं। इसके ऊपर सिटी इंजीनियर, 2 जूनियर इंजीनियर की टीम यहाँ रखी गई है। ये पूरा काम कंप्लीट होने तक इसके ऊपर सुपरविजन है। सर, इस खड्डों को भरने के लिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं होड़ मची हुई है कि क्रेडिट लेने की। सर, उस बारे में आप क्या कहेंगे? उस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। महानगर पालिका का काम है, शहर में कहाँ भी गड्ढे हो गए फिर वो गड्ढे भरने की जवाबदारी महापालिका की है, उस हिसाब से महापालिका काम करे। नहीं सर, आप एज ए कमिश्नर इसको कैसे देखते हैं सर? क्योंकि जितने भी पार्टियों के अध्यक्ष हों, चाहे खासदार हों चाहे आमदार हों, सारे ही लोगों का ये कहना है कि ये जो अब खड्डा मुख भिवंडी किया जा रहा है ये उनकी पार्टी या उनके द्वारा किया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, एज ए कमिश्नर ही मैं बोल रहा हूँ कि ये महानगर पालिका का कर्तव्य ही है, गड्ढे गिरे तो गड्ढे बूझना चाहिए ताकि ट्रैफिक स्मूथ रहे, लोगों को तकलीफ ना हुए, ये कर्तव्य महानगर पालिका का है, उसी हिसाब से काम करें।